राजस्थान का सबसे बड़ा पेपर लीक केस अब ईडी के टारगेट पर है। चुनाव से ठीक पहले पेपर लीक का जिन फिर से बाहर आ गया है और ये केस इतना बड़ा है कि अब नेताओं तक जा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आज कुछ नेताओं के यहां छापे मारे जा रहे हैं। इन नेताओं में कांग्रेस और आरएलपी के नेता शामिल बताए जा रहे हैं। ये रेड डूंगरपुर और सागवाड़ा के इलाकों में की जा रही है। सुबह से ही ईडी के अफसर इन नेताओं के यहाँ मौजूद हैं। चुनाव से ठीक पहले इस मामले को बेहद गंभीर माना जा रहा है। दरअसल 10 अक्टूबर को ईडी ने राजस्थान की एक जेल से पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को 3 दिन की रिमांड पर लिया था और इस रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ में क्या निकला ये तो फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इस पूछताछ के बाद आज ईडी ने डूंगरपुर में कुछ कांग्रेसी नेताओं के यहाँ रेड की है। पुलिस एजेंसियों को साथ में ले जाकर की गई इस रेड में अब नेताओं के घर से में सर्च चल रहा है। साथ ही आरएलपी पार्टी की एक महिला नेता के यहाँ भी सर्च करने की तैयारी बताई जा रही है। तो राजस्थान का पेपर लीक प्रकरण, उसी में माना जा रहा है ईडी का एक्शन तेज हो गया है, जिसके चलते डूंगरपुर के सागवाड़ा में कांग्रेस नेता और उसके रिश्तेदारों के घर पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। ये भी माना जा रहा है कि आरएलपी की एक महिला नेता के यहाँ भी ईडी की सर्च की तैयारी बताई जा रही है। तो सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी में सर्च की कार्रवाई चल रही है। ये कांग्रेस नेता जिनके घर पर और उनके कुछ रिश्तेदार भी हैं जिनके घर पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। तो इस पेपर लीक प्रकरण को लेकर राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस सरकार की किरकिरी हुई थी, अब तक का सबसे बड़ा ये पेपर लीक केस था जो कि ईडी के टारगेट पर ही है। और अब ऐसे में जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, तो ऐसे में उन चुनावों से ठीक पहले ये पेपर लीक का जिन जो है एक बार फिर से बाहर आ गया है और इसके चलते मौजूदा सरकार को एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था, जिसे ईडी ने रिमांड पर लिया था अभी 10 अक्टूबर को, उससे पूछताछ चल रही है। हालांकि उस पूछताछ में क्या खुलासा हुआ, क्या कुछ निकल कर आया, वो अभी सामने नहीं आ पाया है, यानी बताया नहीं गया है। लेकिन इसे उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो रिमांड पर था और उससे पूछताछ की जा रही थी सारण से, और उसके बाद अचानक से ईडी ने ये एक्शन लेते हुए कांग्रेस नेता के ठिकानों पर भी ये सर्च कर दिया है।